अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद कदीर रफानी, ऑटो लाहौर से। ये गाड़ी करोला जीएल है, ये स्लो में ये बैठ रही है, पिकअप नहीं पकड़ी जैसे फ्यूल पंप ख़राब होता है। इसके अंदर सीएनजी लगी थी पहले, इसके कनेक्शन सारे उतारे हुए हैं। ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि मालूमती वीडियो है, ये आपको ज़रा पता चल जाए। ये देखेंगे सीएनजी की सारी वायरिंग इन्होंने उतारी हुई, ये वाली ये सारी तारें उतारी हुई, ये वाली भी, ये वाली ये ग्रिप के बोल्ट भी तारें, ये देखें ये भी तारें उतारी हुई। जब भी सीएनजी की किट आप उतारें तो वायरिंग का ख्याल रखें, तारें मुकम्मल उतारें। ये देखें ये गाड़ी ना पिकअप नहीं है, असल जैसे ही आप गाड़ी को उठाते हैं ये गाड़ी पिकअप नहीं पकड़ी जैसे फ्यूल पंप ख़राब होता है। वो मुझे बता रहा था भाई कि यार गाड़ी का पिकअप मज़ा नहीं है, ये गाड़ी ठीक है। ये देखें ये इसकी ना, ये मैंने खोला है सारी वायरिंग, ये देखें इसकी ये एक वायर लगी हुई है, देखें आप ये इसके साथ वायर लगी है थ्रॉटल बॉडी के ग्रिप के साथ। ये जो वायर लगी हुई ये लगी नहीं होनी चाहिए थी, ये भी उतार लेनी चाहिए थी, इसकी वजह से गाड़ी के अंदर पिकअप की प्रॉब्लम है। ये मैं अभी तार उतारने लगा हूँ, ये तार ये देखें इसको उतार दें आप, इसके ऊपर टेप कर दें, अगर टेप नहीं करेंगे तो गाड़ी मिसिंग करेगी। वीडियो आप पूरी देखा करें, आपको पता चले कि मैं क्या बता रहा हूँ उसे। ये देखें ये अभी मिसकी इधर आई तो ये टेप इसके ऊपर कर दें आप, टेप सही नहीं लगी होगी तो ये एयर फिल्टर ले गया यार। ये ग्रिप वगैरह की तार तो कोई तार के ऊपर टेप के बगैर कोई तार ना हो, सारा कंप्लीट हो गया। ये देखें ये बिल्कुल अभी बिल्कुल एक्यूरेट है, साउंड भी ठीक है, ये देखें आरपीएम बिल्कुल सेट है। पहले थोड़ी सी रेस देना, गाड़ी बैठ थी पिकअप ही नहीं पकड़ी थी, ये रेस पकड़ ही नहीं थी, ये बिल्कुल ठीक है। वीडियो पूरा देखेंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। ये मैंने आपको ट्रैक्टर बॉडी के ग्रिप के अंदर जो फॉल्ट था ना, इसको वायर लगी हुई थी सीएनजी, उसकी वजह से पिकअप नहीं पकड़े थे। ओके, अल्लाह हाफिज़।